हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? लाइक नहीं करते हो? तो आज हम लोग राम जी के पोर्ट्रेट पर कलर करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं उनकी आउटलाइन का ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हूँ, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। एंड आपको रेफरेंस फ़ोटो एंड आउटलाइन ड्राइंग का फ़ोटो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एंड आज हम लोग राम जी के फेस एंड बॉडी पर कलर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम ड्राइंग पर डार्क एरियाज़ को शो करते हैं, तो उसके लिए हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। तो फेस एंड नेक पर जहाँ पर भी डार्क एरियाज़ है वहाँ पर हम ब्राउन कलर से शेडिंग करेंगे। तो आप देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। एंड आप शेडिंग करने से पहले ब्राउन कलर को थोड़ा शार्प कर लीजिएगा, या फिर जो न्यू कलर आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी साइड में कॉर्नर्स में थोड़ा नुकीलापन रहता है। तो बिकॉज आपको हेयर्स एंड जो पतली आउटलाइन होंगी उसको आपको शार्प ब्राउन कलर से ही आउटलाइन करनी पड़ेगी, इसलिए बाकी आप देख कर करते जाइए। ऑलराइट गाइस, ब्राउन कलर से शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम लाइट पीच कलर से यानी स्किन कलर से फेस पर कलरिंग करेंगे। तो जहां पर भी डार्क एरियाज है वहां पर हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर शेडिंग करना है, एंड जहां पर लाइट एरियाज है वहां पर हमको लाइट प्रेशर अप्लाई करके करना है। एंड कुछ कुछ एरियाज पर जहाँ पर एक्स्ट्रा लाइटनेस है वहाँ पर हमें कलर नहीं करना है, वहाँ पर हम वाइट कलर से कलर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। ऑलराइट गाइज, लाइट पीच कलर से कलर हो जाने के बाद मैंने लिप्स पर वर्मिलन ह्यू कलर से थोड़ा आउटलाइन कलर करी, एंड रेड कलर से लिप्स पर थोड़ा कलर कर दिया। एंड जहां पर भी लाइट एरियाज था उसको ब्लैंक छोड़ दिया है, वहां पर हमें वाइट कलर करना है। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। अब हम फेस पर जहां पर भी लाइट एरियाज हैं वहां पर वाइट कलर से कलर करेंगे। तो देखिए गाइज, तो वाइट कलर से कलर हो जाने के बाद अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने से पहले वही रूल है कि आप कॉटन वर्ड पर वाइट कलर या लाइट पीच कलर से कलर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी ब्लेंडिंग स्मूथली होगी। तो मैं वाइट कलर से कर रहा हूँ, तो चलिए फिर करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम रेफरेंस फ़ोटो को देखकर वर्मिलन ह्यू कलर एंड रेड कलर से फेस पर जहां पर भी ऑरेंज एंड रेड सा टेक्सचर है वहां पर ये कलर करेंगे। तो देखिए किस तरीके से। ऑलराइट गाइज, तो कलर करने के बाद हमने उसे ब्लेंड भी कर लिया, एंड आप लोग भी कर लीजिएगा। उसके बाद हम फेस पर आउटलाइंस को कलर करेंगे, तो उसके लिए हम ब्लैक चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप उसके लिए ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, जो पेंसिल कलर आते हैं उनका भी, तो मेरे पास है इसलिए मैं इसी से करूँगा। एंड इससे हम ब्लैक एरियाज़ एंड डार्क एरियाज़ को भी शो करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है, तो करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो हमने चारकोल पेंसिल से जो भी हेयर्स एंड आईब्रोज एंड आईज को जो भी डार्क कलर करना था वो कर लिया है। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो। एंड अब हम स्किन पर कलर करेंगे, तो वो हम फेस की तरह ही करेंगे। तो जिस तरीके से हमने फेस पर किया था, तो हम सबसे पहले ब्राउन कलर से डार्क एरियाज़ को शो करेंगे। तो आप देखिए मैं किस तरीके से करता हूँ, आप भी उस तरीके से कर लीजिए। ऑलराइट गाइज, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ब्राउन कलर से डार्क एरियाज़ को कलर कर दिया है, एंड ये जो लाइनिंग वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर मैंने कलर को थोड़ा शार्प कर किया है, बिकॉज लाइनिंग अच्छे से शो हो, इसलिए। अब हम इस पर लाइट पीच कलर से यानी स्किन कलर से कलर कर देंगे। तो जो भी वाइट एरियाज है उनको छोड़कर हमें बाकी सारे एरियाज पर जहाँ पर लाइट कलर है वहाँ लाइट कलर करना है, जहाँ पर डार्क कलर है वहाँ डार्क कलर करना है। तो ऑलराइट गाइज,
लाइट पीच कलर से कलर हो जाने के बाद जहाँ पर भी एक्स्ट्रा लाइट एरियाज हैं एंड हाइलाइटेड एरियाज हैं वहाँ पर मैं वाइट कलर से कलर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सभी पर कम्प्लीटली वाइट कलर से कर लिया है। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो इस तरीके से। एंड ये सब हो जाने के बाद अब हम इसे कॉटन बर्ड की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। एंड ब्लेंडिंग का वही रूल रहेगा, आप कॉटन बर्ड पर थोड़ा वाइट कलर रफ कर लीजिएगा जिससे स्मूथली ब्लेंडिंग हो। तो चलिए फिर इसे कंप्लीट ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंडिंग करने से पहले गाइस आप ये जो आपको तीर का जो स्ट्रिप दिख रहा है उस पर आप जो स्पेस छोड़ा था मैंने उस पर आप लोग येलो कलर कर लीजिएगा एंड उसके ऊपर से वाइट कलर कर लीजिएगा एंड उसके ऊपर से थोड़ा और ब्राउन कलर कर लीजिएगा जिससे थोड़ा गोल्डन सा लुक आ जाए। ऑलराइट गाइज, तो ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जहाँ पर भी थोड़ा ऑरेंज कलर एंड रेड कलर शो हो रहा है तो वहाँ पर हम वर्मिलन ह्यू कलर एंड रेड कलर से कलरिंग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है। ऑलराइट, तो कलरिंग के बाद हमने ब्लेंडिंग भी कर ली है तो आप भी कर लीजिएगा। एंड अब हम वापस से अंडरलाइनिंग करेंगे। तो जिस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी डार्क एरियाज हैं उस तरीके से वहाँ पर हम डार्क एरियाज को शो करेंगे एंड जहाँ पर भी नॉर्मल अंडरलाइनिंग करनी है वहाँ पर हम अंडरलाइनिंग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अंडरलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अब हम नेक्स्ट पार्ट में और बाकी चीज़ों को, बची हुई चीज़ों को कलर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।